मेरे बीके टाइम न्यूज़ लाइव के व्यूअर्स, मेरे चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरी पूरी फैमिली मौजूद है हिंद के राजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेर शरीफ के अंदर। भी इस वक्त हमारे साथ भुसावल शहर के एक मशहूर पहलवान, जिन्होंने उनकी उम्र के अंदर कई पहलवानों को जीत किया और गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ वो भुसावल शहर के माजी नगर सेवक भी है, आइए, प्रेसिडेंट भी थे और नगर सेवक भी थे, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कब तक क्या रहे। इस वक्त देखिए हमारे साथ में, हम आपको बताना चाहेंगे क्या भुसावल शहर के मशहूर शख्सियत हाजी नईम पहलवान हमारे साथ मौजूद है। नईम पहलवान जी, यहाँ पर आप जो है कब से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो लगभग 13 साल की उम्र से आ रहा हूँ यहाँ। काफी समय होगा। 13 साल की उम्र से आ रहा, आज मेरी 71 चालू है। क्या अकीदत क्या रखते हैं आप करीब नवाज से? ये क्या, ये हिंदुस्तान का शहनशाह, यहाँ कोई भी है, यहाँ कोई भी आ सकता है, खुली मैदान है। यहाँ समझो ये हमारे अल्लाह के वली नज़दीक है ये, और इसलिए यहाँ आते हैं कि हम तो भाई यहाँ इनके पास में कुछ सुकून मिलता है आने से, परेशानी दुनिया की इसकी इसकी। और जो मेरे बच्चे जो छोटे थे, वो जब थे 1.5 साल के, ज़हीर पठान और ज़ुबैर पठान, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि भाई इनको अल्लाह किसी जगह को बचाना नहीं। तो मैं ताजुद की नमाज़ पढ़ा और हमारे भुसावल शहर के शहर काजी थे शबीर मामूली लोग, मैं बोल रहा था मस्जिद में, तो मेरी बिल्डिंग के पास में वो था अपने फोटो, मैंने इस पर हाथ रखा, अगर तुम अल्लाह के वली सही है अल्लाह लिखे, तो माशाल्लाह अल्लाह का, उसके 4 घंटे बाद में अल्लाह का ऐसा करम रहा कि दुआ बस मैंने अमर रोने लगा। यहाँ से आपको क्या क्या मिला ऐसा आपकी, जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ गरीब नवाज की दुआ से क्या क्या मिला है? क्या बहुत कुछ मिला है, और मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, हमारे बुजुर्ग लोगों का, क्योंकि इज्जत दी हमको अल्लाह करम से भुसावल के हिंदू मुसलमान भाइयों ने। क्या के बाद मैं कभी इलेक्शन में मायूस रहे हुआ नहीं है, क्योंकि 84 से चुन के आ रहा हूँ। अभी इस बार जो है भुसावल शहर के अंदर जो है नगर पालिका के इलेक्शन शुरू होने वाले, इस बार पूरे भुसावल को पता है कि नगर पालिका का जो इलेक्शन रहेगा वो बहुत ही टक्कर का इलेक्शन रहेगा। सामने जो है एक साथ में जो है माजी आमदार जो है संतोष भाई चौधरी है, नाथा भाऊ है, और एक तरफ जो है गिरीश महाजन है। भुसावल शहर के अंदर बहुत ही खतरनाक इलेक्शन होने वाला है। इस बार नगर सेवक का इलेक्शन कौन से वार्ड से भरेंगे आप? मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ जामल से भरूंगा, वहाँ समझो बबला होटल का एरिया आता है, वहाँ फर्स्ट टाइम खड़ा वहाँ में मोमिनपुरा आता है, कादा खान साहब की जो चारों पाँच गली पीछे की वो आती है, मिलीपुरा आता है, फिर फकीरवाड़ा का इलाका है, ऐसे इलाके हमारे हैं। आज आप जब बोल रहे कि दोनों खड़े गए, अगर कभी अल्लाह की मेहरबानी हुई और माजी मंत्री एक नौता खरसे जी और संतोष चौधरी अगर दोनों मिल जाए, तो अगर 60 है अपने मेंबर है पार्षद 60 है, तो 60 पे हमारे कम से कम 50 आएंगे अगर दोनों मिल गए तो एक दिल से। हाँ, ये तो अभी आने वाला इलेक्शन ही बता सकता है क्या आगे अगले इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन चर्चा तो यही है भुसावल शहर के अंदर क्या माजी आमदार संतोष चौधरी और नाता बहू एक साथ में ही लड़ने वाले हैं। बेशक अभी जो है आपका जो इलेक्शन रहेगा उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण रहेगा लोगों के साथ में, आप आस्थाने पर खड़े हुए हैं, आप नागरिकों को क्या बताना चाहते हैं भुसावल शहर के, और जिस वार्ड से आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पर आप नागरिकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या आप उनके लिए कर सकते हैं आप आस्थाने पर खड़े हुए हैं? वोट सीख दो जो काम करे जी। एक और वोट लेना मामूली बात नहीं है, मैं तो अल्लाह करम से मैं एक ऐसा मुसलमान काउंसिलर हूँ पूरे भुसावल में, जो हर चीज़ में मैं लोगों से मिलना जुलना, से कि इलेक्शन आ गया तो लोगों को सलाम करूँगा, नमस्ते करूँगा, या शादी ब्याह मौत मरना ही नहीं साल गए, हमारे दीन भी सिखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खिदमत खैल का है ये म्यूनसिपल काउंसिलर, खिदमत खैल का है, लोगों से पैसे अटना नहीं है, लोगों काम करो, चाहे कोई भी समाज का है वो उसको काम करो, तो काम से ही बड़ा आदमी बनेगा, काम से ही बड़ा आदमी बनेगा, वहाँ नाम से नहीं बनता, काम करेंगे तो आपका नाम होगा। हाँ, और हमारे साथ में हर समाज के लोग हमारे साथ में पहले से, शादी ब्याह मौत मट्टी चार राखी लगाना उनकी मानना, उनके साथ में हमने मौत मट्टी में जाना, साल के 12 महीने रिलेशन है, ऐसे के इलेक्शन आ गया तो इंग्लिश में बोलते ना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है बोलते ना, और 4 मिनट की बरसाती 4 मंथ्स रेन
अरे तो ये बताते नहीं क्या बरसाती मिटक नहीं। हाँ ये नहीं बोलो कुछ साल के बाद। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में बुशहर के मशहूर शख्सियत हाजी नईम पहलवान हमारे साथ मौजूद के साथ। जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आस्थाने के ऊपर हम और हमारी जो है पूरी फैमिली हर टाइम हर वक्त जब भी हमें याद आती है गरीब नवाज की उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं सभी हमारे दर्शकों को ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की ज़ियारत मेरे कैमरामैन शादाब काटिक से कहूँगा कि वो गरीब नवाज की ज़ियारत जितने भी हमारे नाजरीन इस चैनल को देख रहे हैं उनको कराए। और सभी को से दुआ है कि अल्लाह जो है गरीब नवाज के सदके सभी की परेशानी को दूर फरमाएँ।